चलिए भाई, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ज्वाइन मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया था, तो आई होप आप ज्वाइन मेथड को आपने अपने एंड से ट्राई किया होगा। तो ज्वाइन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ें उसको आप अपने एंड से ज़रूर ट्राई करिए अगर नहीं ट्राई किया है तो। ज्वाइन को हम टाइम के साथ भी पास करा सकते हैं और बिना टाइम से भी, मतलब यहाँ के इसके अंदर हम टाइम पीरियड भी दे सकते हैं ज्वाइन कराने का, तो ये चीज़ ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो ज्वाइन मेथड के बाद चलिए थ्रेड के अंदर, एक थ्रेड का कैटेगरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस कैटेगरी का नाम है DAEMON, डेमोन, THREAD, थ्रेड। डेमोन करके एक थ्रेड होता है, डेमन भी ऐसे इसे आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डेमन थ्रेड क्या होता है, डेमोन थ्रेड क्या होता है। देखिए, अगर हम डेमन की वैसे लिटरल मीनिंग की बात करें, इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें, तो डेमन का मतलब होता है भूत, पिशाच, राक्षस, डेमन। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऐसी एक थ्रेड है, या कोई भी थ्रेड को डेमन बनाया जा सकता है, ऐसे आप बोल लो। बहुत सारे थ्रेड हैं जो डेमन होते हैं, और हम भी अपना थ्रेड डेमन बना सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा के अंदर थ्रेड में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, है ना। एक होता है भाई यूज़र डिफाइंड थ्रेड, जो हम बनाते हैं, है ना। एक होता है मेन थ्रेड, जो जावा में हर प्रोग्राम मेन थ्रेड पे ही चलता है, तो पता ही होगा आपको, मेन थ्रेड के ही ऊपर हमारा मेन मेथड कॉल होता है और वहीं से सारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में एलैबोरेट करूँगा। जैसे ऐसे मान लो कि ये JVM है ना, ये JVM है। अब ये जो JVM हमारा है, इस JVM क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कोई क्लास होगा, प्रोग्राम होगा, उसके क्लास के अंदर थ्रेडिंग का कोड करा गया है ना, और उसके अंदर कोई रन मेथड ऐसे बनाया गया, पब्लिक वाइड रन, है ना। और ये जो रन मेथड है, ये कैसे चलता है, ये कहाँ से चलता है, कहीं ना कहीं इस रन मेथड को इंटरनली किसी स्टार्ट मेथड किसी थ्रेड के अंदर से कॉल करा गया होगा, है ना। तो बिल्कुल कुछ इस तरह समझ लीजिए आप, ये हमारा रन मेथड हो गया, है ना। रन मेथड के अंदर क्या करा गया है, हमारी क्लास का जो मेन मेथड है उसको कॉल करने का ऐसे कोड लिखा गया है, वो हमारे हमारे क्लास के मेन को कॉल करे। ठीक है, और ये जो JVM है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मतलब एक JVM है, JVM के अंदर से, JVM के अंदर थ्रेडिंग का कोड करा गया है, वहाँ पे स्टार्ट मेथड कॉल करा गया है, और रन के अंदर से ऐसे मेन चलता है, मेन थ्रेड ऐसे चलता है। अच्छा, जैसे ये मेन थ्रेड चलता है ना, मेन थ्रेड के पैरेलल बहुत सारे थ्रेड और भी चलते हैं, जैसे गार्बेज कलेक्टर थ्रेड। अच्छा, गार्बेज कलेक्टर थ्रेड जो चलता है, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमन थ्रेड। अगर आपसे कोई पूछे डेमन थ्रेड का एग्जाम्पल बताओ, कोई कोई थ्रेड डेमन जो होती है, तो गार्बेज कलेक्टर थ्रेड, GC थ्रेड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमन थ्रेड। अच्छा चलिए, तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, लेकिन अभी बात यहाँ पे ये है कि डेमन थ्रेड मतलब जो होते हैं, ये होते क्या हैं, व्हाट इज डेमन थ्रेड। तो मैं आपसे बता रहा था कैटेगरीज, एक यूज़र डिफाइन थ्रेड होता है, एक मेन थ्रेड होता है, एक डेमन थ्रेड होता है, राइट। वैसे तो शट डाउन हुक थ्रेड भी होता है ना, फ्यूचर थ्रेड भी होता है, थ्रेड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अभी हम डेमन थ्रेड की बात करेंगे, ये भी थ्रेड का एक कैटेगरी है, और कोई भी यूज़र डिफाइन थ्रेड डेमन थ्रेड बन सकता है। तो होता क्या डेमन थ्रेड, डेमन थ्रेड के बारे में कुछ पॉइंट है, वो ज़रूर आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, डेमन थ्रेड के बारे में बोला जाता है कि इट इज़ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, ठीक है ना, इट इज़ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, ये किसी को सर्विस प्रोवाइड कराती है। जनरली जब भी डेमन थ्रेड बनती है, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनती है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, कोई भी आप थ्रेड बनाते हो, और उस थ्रेड के ऊपर, जैसे ये थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर आपने लिख दिया सेट डेमोन, सेट डेमोन, और वहाँ पे क्या पास कर दिया आपने, ट्रू। तो अगर किसी भी यूज़र डिफाइंड थ्रेड पे सेट डेमन ट्रू कर दिया, ये मेथड चला दिया, तो वो थ्रेड डेमन बन जाता है, उसके पास डेमन की कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, वो डेमन थ्रेड कहलाने लगता है। आपने कहा सर, डेमन थ्रेड बनाने से फ़ायदा क्या होता है, और फिर इसको डेमन क्यों बोला जाता है। तो देखिए, जब कोई थ्रेड डेमन बनती है ना, तो वो एक बैकग्राउंड थ्रेड होती है, सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड होती है, और ये जिसके लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो सर्विस अगर डेड हो गई, तो ये भी ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है।
तो आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज ऑटोमेटिकली डेड टू हुम इट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज आर डेड. ये जिसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो अगर डेड हो गया तो ये भी अपने आप डेड हो जाती है. ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में किसी सर्विसेज के लिए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरा कोई कोड है, कोई प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है. अब मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा सर्वर ऑन रहे तब तक सर्वर में बैकग्राउंड में कोई टास्क चलता रहे. अब वो बैकग्राउंड का टास्क हम कहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब तक सर्वर चलता रहे, जब तक सर्विस ऑन है हमारी, तब तक वो टास्क चलता रहे. बस ये कंडीशन है. और जब तक से जैसे सर्विस बंद, वो टास्क बंद. तो ऐसे इस काम के लिए भाई हमें, हमारे पास ऐसा कोई थ्रेड होना चाहिए जो किसी दूसरे थ्रेड के रिस्पेक्ट में चले, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में भी वो चल रही है, वो जिसको भी सर्विस दे रही है, वो अगर डेड हो गया तो ये भी डेड हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ. तो उसके लिए डेमन थ्रेड होती है. तो ये जो होती है बैकग्राउंड थ्रेड होती है. अब बैकग्राउंड में मान लो कि कोई भी काम हमारा हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक अदृश्य चीज़ है. वो बिल्कुल जैसे भूत पिशाच अदृश्य होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, बिल्कुल वो अदृश्य चीज़ हो गई हमारे लिए ये. तो इसके लिए, इसीलिए इसको डेमन बोलते हैं. डेमन मतलब इसका 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 काम. अच्छा, जनरली डेमन थ्रेड जब भी हम बनाते हैं तो उससे हम कुछ आउटपुट जनरेट नहीं करते हैं जो हमारे सामने दिखे, है ना. उससे हम बैकग्राउंड में सर्विसेज चलाते हैं. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जावा में क्या होता है, जब भी आप जावा का प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो जेवीएम के अंदर से, है ना, दो थ्रेड चलते हैं पैरेलली. एक मेन थ्रेड चलता है और एक गार्बेज कलेक्टर थ्रेड चलता है. वैसे थ्रेड तो बहुत सारे थ्रेड चलते होंगे. आप जे कंसोल लिख के, जेवीएम मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट टूल जो होती है जे कंसोल, उसको लिख के आप देख सकते हो कि हमारे मतलब प्रोग्राम में कितने सारे टूल्स, सॉरी, कितने सारे थ्रेड चलते हैं हमारे जेवीएम के अंदर. बहुत सारे थ्रेड चलते हैं. तो उसमें से एक थ्रेड होती है मेन और एक थ्रेड होती है डेमन, सॉरी, गार्बेज कलेक्टर, जीसी जिसे बोलते हैं. तो क्या जीसी थ्रेड को आपने आज तक देखा? नहीं ना, क्योंकि वो डेमन थ्रेड है, उसको इंटरनली डेमन बनाया गया है. अच्छा, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जिसका रेफरेंस लॉस हो जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका रेफरेंसेस लॉस हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है मेमोरी से, राइट. तो ये एक सर्विस हो गई जो कि हमारे मेन के साथ पैरेलली चल रही है. तो उसका काम कोई आउटपुट जनरेट करना नहीं है, उसका काम है कुछ सर्विसेज चलाना बैकग्राउंड में. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डेमन थ्रेड इज अ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, ठीक है ना. इट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू हुम इट इज ऑटोमेटिकली डेड टू हुम इट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज आर डेड, ठीक है. और एनी यूजर डिफाइंड थ्रेड कैन बी डेमन, ठीक है, अगर हम उस पर सेट डेमन मेथड चला देते हैं तो. और ये लो प्रायोरिटी थ्रेड होती है, इसकी प्रायोरिटी हमेशा लोअर होती है. मतलब इसको समझ लो कि कम से कम टास्क मिलता है, कम से कम टाइम मिलता है किसी काम को करने के लिए, ठीक है. तो लो प्रायोरिटी थ्रेड होती है. और ये सब सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड होती है. और इस पर्टिकुलर थ्रेड के बारे में दो चार और भी पॉइंट्स हैं. जैसे कि देखिए, अगर हम कोई भी थ्रेड है, कोई भी यूज़र डिफाइंड थ्रेड है, उस पर्टिकुलर यूज़र डिफाइंड थ्रेड को डेमन बना रहे हैं, तो उसको डेमन बनाने का पर्पस क्या होगा? उससे हम कुछ सर्विसेज मतलब चलाएंगे, उससे सर्विसेज कराएंगे. वो सर्विसेज हम चाहते हैं कि किसी के रिस्पेक्ट में चल रही हो. अगर अगर मान लो कि एक एक T1 थ्रेड, एक T2 थ्रेड है, एक मेन थ्रेड है. अब मैंने मेन थ्रेड के अंदर से तीन चार थ्रेड चला दिया. अब ऐसा हो सकता है कि मेन थ्रेड का टास्क जो है छोटा है और बाकी थ्रेड का टास्क बड़ा है, तो मेन डेड हो जाता है और हमारे जो चाइल्ड थ्रेड होते हैं ना, वो चलते रहते हैं मतलब इनफाइनाइट टाइम तक. ऐसा हो जाता है सिचुएशन. मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि मेन खत्म हो गया और चाइल्ड अभी चलता जा रहा है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा किसी सिचुएशन में कि भाई मेन जो है हमारा सब, जैसे हमारा चाइल्ड डेड हुआ, सॉरी, मेन डेड हुआ, तो चाइल्ड भी डेड हो जाए. तो उस चाइल्ड वाली थ्रेड जो हमारी बनी हुई है उसको डेमन बना लेंगे हम, हमारे पास काम हो जाएगा. तो ये डेमन थ्रेड के बारे में कहानी है. इट इज़ सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, इट इज़ बैकग्राउंड थ्रेड, इट इज़ लो प्रायोरिटी थ्रेड. यही सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे डेमन थ्रेड के बारे में, राइट. तो डेमन थ्रेड के बारे में अगर और भी कुछ पॉइंट आपको देखना है तो वी कैन गूगल इट. डेमन थ्रेड इन जावा, आपको मिल जाएगा जावा में डेमन थ्रेड की क्या कहानी होती, कई जगह मिल जाएगा, राइट. सो व्हाट इज डेमन थ्रेड, आपको जरूर मिलेगा ये सारा चीज़. सेट डेमन, वैसे बाय डिफॉल्ट सारे सेट डेमन फॉल्स ही होते हैं थ्रेड्स जितने भी होते हैं. यहाँ पे वैसे नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं करा गया है. ठीक है, देखिए,
डे वन थ्रेड लो प्रायोरिटी थ्रेड होती है, दैट रन इन बैकग्राउंड परफॉर्म द गार्बेज कलेक्शन। तो ये गार्बेज कलेक्टर थ्रेड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डे वन थ्रेड। ये तो ठीक है। प्रॉपर्टी क्या, दे कैन नॉट बी प्रिवेंट द जेवीएम फ्रॉम एग्जिस्टिंग व्हेन ऑल यूजर थ्रेड्स फिनिश देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है ना, ठीक है। दे कैन प्रिवेंट द जेवीएम फ्रॉम एग्जिस्टिंग, मतलब ये थ्रेड जो होता है, दे कैन नॉट प्रिवेंट द जेवीएम फ्रॉम एग्जिस्टिंग व्हेन ऑल द यूजर डिफाइन थ्रेड जो होते हैं फिनिश देयर एग्जीक्यूशन। ठीक है। व्हेन जेवीएम टर्मिनेट इटसेल्फ व्हेन यूजर ऑल मैनुअल थ्रेड्स फिनिशिंग देयर एग्जीक्यूशन। इफ जेवीएम फाइंड्स रनिंग डेमन थ्रेड्स इट टर्मिनेट द थ्रेड्स। वही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली ऑलमोस्ट लो प्रायोरिटी थ्रेड होती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेमन थ्रेड के बारे में। और भी कहीं से देख लेते हैं क्या है कहीं कुछ। डेमन थ्रेड इज अ सर्विस प्रोवाइडेड थ्रेड, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द मेन, इट डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ यूजर थ्रेड, है ना, मतलब यूजर थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। फाइनलाइजर होता है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर अबाउट द डिपेंड ऑन अ यूजर थ्रेड, लो प्रायोरिटी थ्रेड, सर्विस प्रोवाइडर थ्रेड, है ना। बस यही सारे, मतलब हर जगह यही पे आपको यही इसी इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे करेंगे हम इस पे काम। देखिए आप यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, एक नया फाइल हम बना लेते हैं, एक नया क्लास बना लेते हैं, डेमन थ्रेड डेमो, ठीक है। यहाँ पे मेन बना लेते हैं, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब हमें थ्रेड बनाना है, कोई भी थ्रेड बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से एक थ्रेड बनाऊँगा,